हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इन प्लेइंग विद नंबर्स एज वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैक्टर्स. फैक्टर्स मीन्स फैक्टर इज अ नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी आपकी फैक्टर. फैक्टर मीन्स अ नंबर विच इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. बच्चों जैसे हमारे पास मान लो एक नंबर है 10, तो 10 के फैक्टर्स मान लो आपको फाइंड आउट करने हैं. फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 10 के फैक्टर्स वो सारे नंबर्स होंगे जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं. अब 1 तो हमेशा ही सभी को डिवाइड कर सकता है, 1. 10 जो है वो आपका 2 से भी तो डिविजिबल है, हो जाता है ना 2 से डिवाइड, 2 भी इसका फैक्टर हो गया. और किसके टेबल में आता है 10? 5 के टेबल में आता है. और किसके टेबल में 10 आता है? 10 के टेबल में खुद 10 आता है. अब 10 से ग्रेटर नंबर थोड़ी ना हम लेंगे. जैसे मान लो कि कोई 12 है या 15 है या 20 है, तो वो नंबर्स 10 को थोड़ी डिवाइड करेंगे, बिकॉज 10 स्मॉलर है उनसे. तो 10 के फैक्टर्स हमारे पास कौन से आएंगे? 1, 2, 5 एंड 10. मीन्स फैक्टर्स हमारा वो नंबर होता है जो कि एग्जैक्ट डिवाइजर हो इन नंबर्स का, उस नंबर का, गिवन नंबर का. वंस अगेन डेफिनेशन इज अ नंबर विच इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर इज कॉल्ड फैक्टर. हमने एग्जाम्पल लिया 10. अब 10 के जो भी फैक्टर्स हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 10 को कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1, 2, 5 एंड 10. अब जैसे बेटा 3.1 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि आपको इन सब के फैक्टर्स लिखने हैं. जैसे फर्स्ट है 24, तो 24 के फैक्टर्स देखो. फैक्टर्स ऑफ 24 मीन्स 24 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है? 1 तो आएगा ही. 2 से क्या ये डिविजिबल है? 2 12 होता है ना 24, तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है. 24 और किस नंबर से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है. अब बताओ कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है? 4 से 24, 4 6 24 होता है ना, तो 4 भी इसका डिवाइजर है. देन क्या 5 के टेबल में कहीं 24 आता है? नहीं आता. 6 के टेबल में 24 आता है? आता है, 6 4 24 होता है. 7 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता. 8 के टेबल में 24 आता है? 8 3 24, यस. 9 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा. 10 के टेबल में? नहीं होगा. 11 के टेबल में भी नहीं होगा. 12 के टेबल में बताओ? 12 2 24. नाउ 13 नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 2 32 होता नहीं, 17 18 19 20 21 22 23 24 itself. और फैक्टर्स जो है, जो नंबर आपको गिवन होता है ना, वो आ सकता है उसमें, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता. फैक्टर हमेशा ही लार्जेस्ट वो खुद होगा और बाकी उससे स्मॉलर होंगे सारे के सारे. तो इज़ दैट क्लियर कि 24 के फैक्टर्स कौन से होंगे? वो सारे नंबर्स जो इस 24 को डिवाइड कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 15. ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है. फैक्टर ऑफ 15 कौन कौन से आएंगे? 1, 2 के टेबल में 15 आता है? 2 7 14, 2 8 16, 15 तो नहीं आता, तो 2 नहीं आएगा. 3 के टेबल में 15 आता है? 3 5 15. 4 में? नहीं. 5 में? यस.
कॉमे लगाते जाना है, सिक्स में नहीं, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन लास्ट इज फिफ्टीन. मीन्स फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन आर वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन. द ओनली फोर फैक्टर्स आर देयर. नाउ नेक्स्ट इज 21. 21 के आप बताओ कौन कौन से होंगे फैक्टर्स ऑफ 21. 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 यस, 4 नो, 5 नो, 6 में भी 21 नहीं आता, 7 में 7 3 से 21, 8 में नो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and last is 21. Means factor of 20, factors of 21 is 1 3 7 and 21. तो सिमिलरली बेटा आपने इनको सॉल्व करना है. 27 के फैक्टर्स लिखने हैं, 12 के, 20 के, 18 के, 23 के, 36 के. अच्छा 23 को हम ये डिस्कस कर लेते हैं. 23 के फैक्टर, 23 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 में ही आता है. तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ 23. कौन कौन से फैक्टर आएंगे इसके, दो ही आएंगे, एक तो 1 और दूसरा 23. बाकी इजी हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स होते हैं बेटा वो नंबर्स जो इसके फैक्टर्स के मल्टीपल्स हैं, मींस जो इनके टेबल में आते हैं. 5 का टेबल आपको आता है ना, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आप लिख सकते हो, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10. मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट पार्ट है 5, तो 5 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं. 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25. अब काउंट करो पूरे 5 हो गए, 1 2 3 4 5. ठीक है. मीन्स बेटा आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब मल्टीपल्स का क्वेश्चन आए पेपर में तो आपको टेबल लिख देना सारे का सारा, जितने पूछे हो नंबर्स उतना लिख देना है. मल्टीपल्स हमेशा ही उस नंबर से शुरू होंगे और उससे ग्रेटर ही होंगे सारे, और जो फैक्टर है फैक्टर हमेशा ही स्मॉलर होंगे, और फैक्टर होता है डिवाइड करने वाला नंबर. मल्टीपल्स में आपका टेबल आ जाएगा और फैक्टर में आपका डिवाइजर आएंगे. ठीक है. अब जैसे नेक्स्ट है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 मींस आपको 9 का टेबल लिख देना है. तो क्या आएगा, 9 वन ज़ा 9, फिर 18, फिर 9 थ्री ज़ा 27, देन 36, देन 9 फाइव ज़ा 45. इस तरह से ये फर्स्ट 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5. तो बेटा आज हमने सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो फैक्टर्स के बारे में और दूसरा मल्टीपल्स के बारे में. फैक्टर इज़ अ नंबर विच इज़ अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर, जो उसको डिवाइड करें उसके वो जो नंबर है उससे हमेशा ये स्मॉलर होंगे, और जो उसको डिवाइड करेंगे सिर्फ वही हमने लिखने हैं. जबकि मल्टीपल्स जो है, मल्टीपल इसी से शुरू होगा और इससे ग्रेटर नंबर होंगे, और वो इसका टेबल ही होगा. याद रहेगा आपका दोनों में डिफरेंस, मल्टीपल्स का क्वेश्चन जब आए दैट मीन्स यू हैव टू राइट टेबल ऑफ दैट नंबर, और अगर फैक्टर्स पूछे जाएं तो वो बता देने हैं जिनसे आप इनको डिवाइड कर सको. तो आपको जो होमवर्क है दैट इज 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको सिर्फ मैच करना है. देखो 35 जो है दैट इज इनमें से किसके साथ ये मैच होगा, 35 ये आपको ज्वाइन करना है, 15 ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन है. इस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे, जहां अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.